हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम सा, मीनल्स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बिस्किट केक बनाने जा रही हूँ, जो कि पार्ले जी और हाइड एंड सीक से बना है, एंड इट्स वेरी सिंपल एंड यमी रेसिपी। आई होप यू विल लाइक दिस रेसिपी एंड किड्स विल लव दिस रेसिपी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, थैंक यू। फ्रेंड्स, बिस्किट केक बनाने के लिए मैंने पार्ले जी बिस्किट लिए है 250 ग्राम, 150 ग्राम हाइड एंड सीक बिस्किट लिए है, वनीला एसेंस ये हम 1 टीस्पून जितना डालेंगे इसमें, घी इसको मैंने ग्रीस करने के लिए लिया है, जिसमें हम केक बनाएंगे उसको ग्रीस करेंगे, ये 1/2 टीस्पून जितना मैंने सोडा लिया है, बेकिंग सोडा, और ये 1 कप मिल्क लिया है जिसको हम आवश्यकता अनुसार यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे जिसमें मैंने ये स्टैंड रखा है, और इसको मीडियम आँच पर 10 मिनट तक गर्म होने देंगे। इसको हम प्री हीट करेंगे और इसको ढक के रखेंगे। हम सबसे पहले हम इस प्लेट को ग्रीस कर देंगे। आप इसके लिए घी या ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पर घी लिया है। एकदम अच्छे से इसको ग्रीस करना है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे ताकि ये चिपके नहीं नीचे। कभी भी केक बनाओ तो उसमें मैदा ज़रूर छिड़को ताकि ये नीचे स्टिक ना हो। ये देखिए, हमारी जो हमारा कैन है ये ग्रीस हो चुका है। फ्रेंड्स, ये हमने बिस्किट्स निकाल दिए हैं। अब हम एक जार में थोड़े थोड़े बिस्किट डालेंगे और इसको ग्राइंड करते रहेंगे। ये देखिए, एकदम पाउडर हो चुका है। अब हम इसको शिफ्ट कर लेंगे, छान लेंगे इसको। इसको इस तरह से हम छानेंगे। आप एक स्पून की हेल्प भी ले सकते हो छानने के लिए। छानने के बाद जो ये बिस्किट जो नहीं हुआ है ग्राइंड अच्छे से, उसको हम पीसेस में डाल देंगे, और इसी तरह से हम बाकी के सारे बिस्किट्स भी ग्राइंड करके इसमें छान लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने पार्ले बिस्किट को ग्राइंड कर लिया एकदम अच्छे से। अब हम जो हाइड एंड सीक बिस्किट हमने लिए हैं उसको भी एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये ग्राइंड हो चुका है, अब हम इसको सिफ्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने हाइड एंड सीक और पार्ले जी दोनों को सिफ्ट कर लिया, छान लिया अच्छे से। नाउ विल मिक्स इट। अब हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। वेनीला एसेंस डालेंगे, आप यही ढक्कन यूज कर सकते हो उसको डालने के लिए। मिक्स इट वेल। नाउ विल ऐड मिल्क। इसमें दूध डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एक चीज का ध्यान रखना है कि इसकी कंसिस्टेंसी हमको एकदम ही पतली नहीं करनी है, सो ऐड स्लोली मिल्क। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी अभी भी बहुत गाढ़ी है, तो अब हम इसमें और दूध मिलाएंगे। लगभग एक कप जितना दूध हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, एक ही डायरेक्शन में इसे चलाते रहिए। लुक एट दिस कंसिस्टेंसी, इतनी थिक होनी चाहिए।
अब हम इसको इसमें से पैन में डाल देंगे। इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से हमने इसमें दो में इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं, तो मैंने दो पैन रखे हैं। एकदम अच्छे से इसको टैप कीजिए। टैप करने से इसमें बबल्स नहीं रहते हैं। अब हम इसको पैन में रख देंगे। इसको हमें अब स्लो पे रखना है, स्लो फ्लेम पर रखेंगे इसको हम, और लगभग 20 मिनट्स तक इसको बनने देंगे। फ्रेंड्स, लेट्स चेक इट। इसको चेक करने के लिए हमें टूथपिक इसमें डाल के देखना पड़ेगा। सी, लुक एट दिस अगेन। ये देखिए, इस पे कुछ भी स्टिक नहीं हो रहा है, सो इट्स रेडी। नाउ विल स्विच ऑफ दिस फ्लेम। नाउ विल रिमूव इट। इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे। फ्रेंड्स, इसको अब हम डीमोल्ड करेंगे, सो विल डू इट लाइक दिस एंड लाइक दिस। वाओ, लुक एट दिस, लुकिंग सो डिलीशियस, वेरी नाइस। लेट्स कट इट। वाओ, लुक एट दिस, बहुत ही सॉफ्टी और कितना मस्त बना है ये। बच्चे तो पसंद करेंगे ही, और मुझे भी बड़ी खाने की इच्छा हो रही है। देखो कैसे टूट रहा है। इट्स वेरी सॉफ्ट एंड वेरी नाइस फ्लफी। वेरी टेस्टी। आई होप यू विल लाइक दिस रेसिपी। अगर आपने मेरी गनाश की रेसिपी नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखना। इसको हम उससे डेकोरेट भी कर सकते हैं, देन यू कैन ईट।